क्या हाल चाल है मेरे भाइयों और बहनों। आज हम बात करेंगे बस ट्रैवल की। मैं शिमोगा टू मीरा रोड जा रहा हूँ। ये है शिमोगा का ऑफिस जो बस ट्रैवल है का है, ईस्ट वेस्ट ट्रैवल बस, ठीक है। ये 1992 से ये सर्विस दे रहा है। ये गोवा जाती है, बेंगलोर जाती है, मैंगलोर जाती है और उसके बाद जयपुर जाती है। यहाँ से हम जा रहे हैं शिमोगा टू मीरा रोड, ठीक है। ये इसका ऑफिस है, एक ऑफिस और भी पड़ता है, वो हम आपको वीडियो में आगे बता देंगे, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका जो बोर्डिंग है ये शिकारीपुरा और सीरापुरा, यहाँ तक ये तीन जगह से उठाती है। और इसका जो ड्रॉपिंग है ये जाती है लोनावला, खालापुर, टोलनाका, कोकालू, बोली, कमोटे, कारगा, थ्री स्टार होटल हैवे, सीबीडी, बेलापुर, नेरुल, जूही नगर, सानपाड़ा, अंधेरी, जोगेश्वरी, गोरेगांव, मलाट, कांदेवली, बोरेवली, मीरा रोड, लास्ट स्टॉप मीरा रोड, ठीक है। ये दूसरा ऑफिस पड़ेगा ईस्ट एंड वेस्ट का, ठीक है। सेकंड ऑफिस ही है। बाजू में फर्नीचर की भी दुकान है, वो आप जब रेड पास से टिकट बुक करेंगे तो आपको एड्रेस दे देगा कि आपको कहाँ से पकड़ना है, बोर्डिंग करना है, ठीक है। और ये टोटल शिमोगा टू मीरा रोड का 800 किलोमीटर का रास्ता है। आपको बस का इंटीरियर दिखा रहा हूँ मैं। डबल सीट बेड है ये, ठीक है। ऊपर भी डबल सीट है, दो लोगों के लिए ये है। चार्जिंग, रीडिंग लाइट, चार्जिंग और एक पिल्लो वो अटैच रहता है सोफे पे, वो गद्दे पे, ठीक है। बाकी इसमें फ़ैन आपको नहीं मिलता है, गर्मी में आपकी हालत पंचर हो जाएगी अगर बस खड़ी है तो। बाकी रात में तो ठंड लगती है, इतनी हवा चलती है तो। और बस में अगर सफ़र कर रहे हैं तो अगर आपको चक्कर आता है तो आप क्या करें, ज़्यादातर सोने की कोशिश करें और जूस ले लें ज़्यादातर और दही, ठीक है। पेट ख़राब भी हो जाता है, दही खाएंगे तो आपका पेट सही रहेगा, ठीक है। चार्जिंग सॉकेट है, रीडिंग लाइट है और मोबाइल होल्डर है। अभी हम लोग शिमोगा सिटी छोड़ रहे हैं, आगे भी मैं आपको काम की बात बताता रहूँगा। काफ़ी खूबसूरत शहर है। यहाँ पर कर्नाटका में हिंदी, कन्नड़ और इंग्लिश और उर्दू बोली जाती है। हर कोई हिंदी नहीं जानता है, ये पहला टूल नाका पड़ा है अपना, ठीक है। ये टूल नाका इन लोग का जो रहता है फास्टैग से रहता है ज़्यादातर बस लोग का, क्योंकि रेगुलर आना जाना रहता है तो फास्टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। फास्टैग यूज किया है बस वाले ने, फटाफट निकल गए हम लोग। अब देखते हैं कितने बजे पहुंचाती है मीरा रोड, ठीक है। साइन सर्कल और नूलावाला बहुत सी जगह वो रात में पड़ेगा ये अंदर। अभी हम लोग को 6 बज रहे हैं शाम के और नाश्ते का के लिए रोका है और किसी को फ्रेश होना है तो उसके लिए भी रोका है और 10 मिनट के लिए खाली रोका है, ठीक है। वो लोग बोलते हैं कि 10-15 मिनट के लिए रुक रही है, ठीक है। आप बोल के जाएं ड्राइवर को कि हम कहीं जा रहे हैं, 9 मिनट लगेगा रुकना, ये ना बोले नहीं जाना अगर आप अकेले उतर रहे हैं तो। सबसे पहले ढूंढेंगे बाथरूम, वहाँ फ्रेश होंगे, उसके बाद कुछ करेंगे नाश्ता, फिर अपना सफ़र आगे बढ़ाएंगे। SRL के सामने बुक खड़ी है, ये AC बस है,
ग्रीन प्लेस होटल का नाम है। ठीक है, देखते हैं क्या नाश्ता मिलता है। तो पहले जाते हैं वॉशरूम, फिर नाश्ता करेंगे। सबसे पहला काम बस से उतरने के बाद वॉशरूम। ठीक है, लेडीज़ अगर हैं तो उनको पहले ही वॉशरूम भेज दें, हर जब भी मौका मिले। ये हम लोग घुस गए हैं ग्रीन पैलेस होटल के अंदर। ठीक है, मैंने ऑर्डर किया वड़ा पाव, पानी बोतल, एक चाय। वड़ा पाव सॉस के साथ दिया गया है और एक मिर्ची दी गई है फ्राई करके। 60 रुपये टोटल भी लगा है, 20-20 रुपये के हिसाब से तीनों का रेट लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे माल जो है बस में वो अनलोडिंग हो रहा है। ज़्यादातर बस ट्रैवल का ज़्यादातर प्रॉफिट साइड प्रॉफिट यही होता है। बारिश हुई है और काफ़ी मौसम अच्छा हो गया है, आगे हमारे को ठंडा रहेगा। और एक बात, बस की अगर टिकट बुक किए हैं तो सबसे लास्ट वाली सीट कभी नहीं लेना और सबसे पहली वाली सीट कभी नहीं लेना, क्योंकि वो टायर के पास रहती है। जब भी ब्रेकर आता है आप झूला झूलने लग जाएंगे। ठीक है, ये बहुत सी बारीक बारीक चीज़ें हैं जो फर्स्ट टाइम कोई जाता है लेने ट्रैवल करता है, तो ये सब बातें कैद नहीं करता। मगर आप इस वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं कितना आसानी हो सके उतना मैं आपको आसानी करूँगा ये सब काम करना। ये हम लोग पहुंच गए हैं उदबी टूल नाके के पास, और यहाँ से पुणे का रास्ता है 456 किलोमीटर। ठीक है, और एक बात, ये हम लोग ये जो हैवे है, हैवे नंबर 48 पे चल रहे हैं, मुंबई टू बेंगलुरु हैवे, यही हैवे पे ये बस चलेगी। ठीक है, अब हम लोग उतर रहे हैं डिनर के लिए, और डिनर के लिए कब रोका इसने 11:45 को, और हम लोग 200 किलोमीटर का सफ़र कर चुके हैं। यहाँ रुकेगी 15 मिनट बस। सबसे पहले क्या काम करना है, वॉशरूम जाना है। मैं होके आता हूँ फिर आगे आपको पकाता हूँ। ये साई पार्क होटल का नाम है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सी कंपनी की बस रुकी हुई है, और ये जो होटल वाले होते हैं ये बस को कमीशन देते हैं और ड्राइवर को खाना देते हैं। जितने भी बस स्टॉप में रहते हैं उन लोगों को फ्री में खाना मिलते हैं, हम लोग इसलिए वो लोग वहीं रुकते हैं। अभी हम थम्सअप का एक ऑर्डर किया हूँ, थम्सअप आधा लीटर ले लेता हूँ, क्योंकि कभी भी गैस वैस बने मूड फ्रेश रहता है थम्सअप पीने में सफ़र करने में। ठीक है, फेंटा भी सोच रहा हूँ ले लूँ, पीने में भी अच्छा रहता है। ठीक है, ये पड़ा है 40 रुपये का। यहाँ सारी बस खड़ी हैं, बाकी लेडीज़ लोग हैं तो उनको फटाफट कम से कम पानी पिलाएं, और कम जो भी हो उतरने का मौका मिले जब भी कहीं बस रुके होटल वोटल सबसे पहले करा लें, उसके बाद खाना खा लें। ठीक है, क्योंकि बाद में वो रुकता नहीं, बहुत सारी लेडीज़ लोग को तकलीफ़ हो जाती है, बोलना पड़ता है। तो 10-15 मिनट का एक बाद कोई पेट्रोल पंप पे रोका तो रोका, नहीं तो नहीं रोका, ऐसा रहता है। तो जितना कम से कम पानी पिए, थोड़ा मैं बस का टूर करा देता हूँ। होटल साई पार्क पेवर वेज, और यह हैवे नंबर है 48, मुंबई टू बेंगलुरु हैवे। ये बस का लुक दिखा रहा हूँ आपको मैं, ठीक ठाक है बस, इतनी ख़राब भी नहीं है। और ये रेड बस से मैंने टिकट निकाला था, 1100 की ये टिकट पड़ी थी। ठीक है, आप रेड बस से ही टिकट निकालें, सस्ते में हो जाएगा। बाकी बुकिंग ऑफिस जाएंगे तो 1300-1400 का टिकट पड़ेगा। अब ये होटल के अंदर मैं आपको दिखा लेके आया हूँ, कुछ ऑर्डर करता हूँ और वो भी आपको दिखाता हूँ। ये रात घंटा तो आपको मैं दिखाया था, 40 रुपये का ये है। ठीक है, और उसके बाद ये पानी बोतल लिया हूँ, 1 लीटर का 20 रुपये का। ठीक है, और ये थोड़ा फल फ्रूट लिया था, ये 50 रुपये का पड़ा है।
ठीक है, काफ़ी महंगा पड़ रहा है। और ये मैंने वेज फ्राइड राइस लिया हुआ है, ये 130 रुपये का पड़ा है। हाँ, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो घर से खाना जितना ला सकें उतना ले आएँ, ठीक है, काफ़ी महंगा पड़ता है अगर आप खाना वाना लेके नहीं घर से निकलें तो। 130 रुपये का मालूम हाफ। ये रात में बज रहे हैं 3:30 और हम लोग लगभग अब जो बचा है मेरा रोड के लिए वो 300 किलोमीटर बचा हुआ है। 3:30 बज रहा है, बस काफ़ी टाइम से चल रही है, ठीक है। सुबह लगभग 7:30 बजे तक पहुंचा देगी मेरे हिसाब से, कि अभी ज़्यादातर 300 किलोमीटर है। अभी हम लोग मुंबई में पहुंच गए, ठीक है। ये मुंबई सेंटर से विरार का जो हाईवे पड़ता है वो है, और ये मीरा रोड की तुलना का है। हमें मीरा रोड पे हम लोग पहुँच गए हैं, ठीक है। इस बस वाले ने क्या किया, दादर तक ही लाया, उसके बाद दूसरी बस में हमको चढ़ाया, दूसरी बस में बैठने को बोला। क्यों, ये बात हमें पहले ही बता देता तो हम दूसरी बस बुक कर लेते, मगर कभी कभी ये करता है, उसको नहीं आना होगा इस साइड, ठीक है। मगर अपने को कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ा। मेरा रोड पहुंच गए हम लोग 7:30 बजे ऑन टाइम, ठीक है। और जब भी आप बस में टिकट ट्रैवल करें तो मेरी बातों का ध्यान रखें, आपके सफ़र अच्छा होएगा। चलिए, जय हिंद, खुदा हाफिज़। और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। चलिए, खुदा हाफिज़।